नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीएन योगी और आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। राजस्थान के अंदर 2020 सरपंची चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी दंगल के तहत इंटरव्यू लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं सूटगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरदासवाली में। हरदासवाली में आज हमारे साथ इस ग्राम पंचायत से भावी सरपंच मौजूद है, धर्मपाल जी शर्मा। तो सवालों के दौर में खास मुलाकात में धर्मपाल जी शर्मा को पूछते हैं चंद सवाल। धर्मपाल जी, मैं मीडिया भाइयों को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। धर्मपाल जी, आपकी ग्राम पंचायत, जहाँ तक हमने यहाँ आकर सर्वे की है, आपकी ग्राम पंचायत एक बहुत पिछड़ी ग्राम पंचायत, शायद राजस्थान के अंदर पहली ग्राम पंचायत होगी, इतनी पिछड़ी ग्राम पंचायत यहाँ है और यहाँ से आप अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोक चुके हैं, भावी सरपंच है आप यहाँ के, तो ऐसे कौन से जो मुद्दे हैं जिनको जो मुख्य मुद्दे जिनको लेकर आप मैदान में हो? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 वर्ष पहले हमारे ग्राम पंचायत का विभाजन हुआ और नई ग्राम पंचायत बनी, इसमें सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा है, क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। उसके बाद रेवेन्यू विभाग और उसी के अलावा सिंचाई विभाग भी इसी दौर में आ जाता है। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 7 वार्डों में विभाजित है, तो उसमें प्रत्येक वार्ड को जैसे विकास के मुद्दे में अपने बराबर बैसे के हिसाब से चलेंगे और उसमें युवा पीढ़ी बुजुर्ग उनको साथ लेकर चलेंगे, ताकि अपनी आवाज़ बने कि प्रत्येक विकास के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार तक पहुँचे। वहाँ से अपना ये एजेंडा रहेगा कि विकास का कोई भी मुद्दा सभी साथियों से मिलकर चलेंगे, तब ही हमारे ग्राम पंचायत हरदासवाली का विकास होगा। रामपाल जी, मैंने जहाँ तक आपकी ग्राम पंचायत की सर्वे की, तो आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे एससी वर्ग के बहुत सारे जो वार्ड हैं, अन्य जातियों के ऐसे वार्ड हैं जो दूर ढाणियों में चक्कों में बसे हुए, जो रोड के लिए जूझ रहे हैं, पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, मतलब ऐसी समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है कि एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि पीछे भी पंचायतें इसके साथ, ग्राम पंचायत के साथ जुड़ी थी और अभी भी 5 साल से जो कार्यकाल चल रहा था, तो उन लोगों को इन चीज़ों से वंचित रखा गया और आज आप जैसे सत्ता हाथ में आती है तो आप ऐसा क्या करने वाले, उन वार्डों को साथ में लेके चलने वाले हो, या मतलब जो बजट आया किस तरह से बांटने वाले हो, या आप पंचायत हेडक्वार्टर पर ज़्यादा फोकस देने वाले हो, क्या करना? सर, मैं मीडिया भाइयों से फिर कहना चाहता हूँ, ये जातिगत दो लोगों ने एक धारणा बना रखी है, ये धारणा कोई विषय नहीं होता है, क्योंकि तो हमारे ग्राम पंचायत के 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में बै हिस्सा यानी बराबर उनको हक मिलेगा, चाहे इसमें एससी वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, ये अपने कोई थ्योरी नहीं है कि कोई जातिगत विषय हो, तो विषय यही चाहता है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, ताकि ये एक कुछ नया करने की ठान के बैठे हैं अपने, ये नहीं बैठे कि आज अपने किसी को धोखा देना है या जातिगत विषय बनाना है। जातिगत कोई विषय नहीं होता है, सिर्फ विकास ही मुद्दा होता है, उस विकास में युवा पीढ़ी मेरे साथ है, बुजुर्ग मेरे साथ है, और मैं इनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, एक ऐसी अलग जगहें ताकि देश में लोग समझे कि कुछ उस ग्राम पंचायत में एक पिछड़ी भी थी, आज देश आज़ाद होने के बाद पिछड़ी भी ग्राम पंचायत राजस्थान की हरदास वाली ग्राम पंचायत की है, यही मैं आप मीडिया भाइयों। धर्मपाल जी, जहाँ तक मेरी सर्वे है आपकी ग्राम पंचायत में, तो आपके अलावा 2 उम्मीदवार और मैदान में हैं और एक जातिवाद को बढ़ावा देकर गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप जातिवाद को बढ़ावा देकर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मीडिया भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जातिवाद का अगर जहर चलेगा तो इंसान सुख नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जातिवाद पर अगर चुनाव होता है या धर्म के नाम पे होता है तो ये देश के अंदर भी एक बयान की स्थिति है, ग्राम पंचायत तो बात की बात होती है, और जातिवाद से कभी चुनाव नहीं जीता जाता या जातिवाद का विषय बनाकर उन जातियों का आनंद करना, ये कोई अपने इतिहास में नहीं लिखा, क्योंकि अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो एक कानून व्यवस्था बनाई थी तो वो इस देश को एक व्यवस्था चलाने के लिए दी थी, न कि उसको दुरुपयोग करने के लिए। जी, आप अपनी
पाँच साल के आने वाले कार्यकाल के अंदर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पाँच साल के आने वाले कार्यकाल के अंदर अगर आप एजुकेशन प्राप्त होती है तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं पाँच साल के अंदर कि कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नई सोच युवाओं के साथ जुड़कर कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ है, अगर आपके दिमाग में हो तो चंद समय। मैं ये चाहता हूँ ग्राम पंचायत में ऐसा विकास हो, ऐसा लोगों का साथ हो, ये जाति भ्रांति की जो स्थिति बनी है उसको ख़त्म करके और अपने राज्य नहीं देश के अंदर भी एक गांव ग्राम पंचायत का नाम आए ताकि लोग समझे कि कोई एक युवा ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच बना और उन्होंने एक नई कुछ करने की चुनौती ली और ये चुनौती को पूर्ण किया। कृपाल जी, ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएँ होती है जो नीचे सतर तक नहीं पहुँच सकती, जैसे पेंशन योजना है या प्रधान पीएम आवास है। पीएम आवास से मैंने आपकी ग्राम पंचायत के अंदर सर्वे किया है, पिछले पाँच साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सारे कम पीएम आवास यहाँ देखने को मिले हैं, तो इसका विशेष कारण क्या है? और अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, आप विजयश्री को प्राप्त करते हो, तो आपका जो मुख्य उद्देश्य है इन योजनाओं पर क्या रहेगा? सर, मेरा योजनाओं पर ये रहेगा प्रत्येक जो पैराइटी में आए हुए हैं पीएम आवास में उनके कोने कोने तक ग्राम पंचायत पहुँचाने का रहेगा। उसके अलावा अपने स्वास्थ्य के संबंधी है तो जैसे अपने स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए तक सरकार अपने फ्री में इलाज करती है तो उन लोगों को जागृत करना है कि वो वहाँ तक पहुँचे और अपना स्वास्थ्य का फ्री इलाज कराए। और उसके अलावा अपने बीमे जैसे जमींदार के खेती का बीमा होता है तो लोग जान नहीं पाते कि बीमे का लाभ क्या होता है, उन लोगों को भी जागरूक करना ज़रूरी है। और एरिकेशन है, उसमें एरिकेशन का लोगों को मतलब समझ में नहीं आ पाता कि एरिकेशन क्या विभाग है। और रेवेन्यू तो मान के चलो अपने क्षेत्र में रेवेन्यू से तो कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है कि रेवेन्यू होता क्या है, पत्थर नंबर क्या होता है, मुरबा नंबर क्या होता है। तो अपने एरिकेशन में खाड़े हैं तो उनका ऐसी हालात है सोच नहीं सकते। अगर खाड़े सही होंगे तो जमींदार के खेत तक पानी जाएगा, रास्ते खुले होंगे तो रास्ते तक पहुँच पाएगा और उसके अलावा गली खुली होगी तो वो घर तक पहुँच पाएगा। इसके अलावा ये मान के चलो अपने विधवा पेंशन है तो विधवा पेंशन को उन लोगों को अभी तक याद नहीं है कहाँ फार्म अप्लाई करना है। तो वृद्धा पेंशन है, उनको भी लोगों को पता नहीं है कि वृद्धा पेंशन कहाँ से जाके अपने को फार्म अप्लाई करना है, क्या करना है, उन लोगों को भी जागृत करना है। ऐसे लोग हैं जैसे शौचालय नहीं मिले, लोगों को क्यों नहीं मिले उसकी वजह ये रही लोगों में जागृति नहीं थी, उन तक आवाज़ नहीं पहुँची, तभी ये शौचालय नहीं पहुँच पाई। आपके हाथ में अगर विजयश्री मिलती है, सत्ता अगर आपको प्राप्त होती है, तो आप मतलब गरीबों का विशेष तौर से ध्यान रखने वाले हो इस पाँच साल में, यही कहने वाले? बिल्कुल, मैं गरीब के साथ रहूंगा, गरीब के किसी सुविधा का भौतिक सुविधा जो सरकार के द्वारा मिलती है उसका हनन नहीं होगा। और मैं जहाँ तक युवा पीढ़ी वृद्ध लोगों के साथ मिलकर मैं उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाऊँगा ताकि प्रत्येक को उसका हिस्सा है वो मिले। और इस हिस्से में देख ये मान के चलो कि अपनी एक ऐसी व्यवस्था दी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, तो उस व्यवस्था का लिए अपने संचालन तभी कर पाएंगे कि उस कानून को प्रत्येक तक समझाएं, उनको बताएं, उनके घर में बैठे भाई बंधु के साथ मीडिया भाइयों के साथ बैठ के उन तक पहुँचाएँ कि आपकी ये योजना है इसका आप लाभ लो। धर्मपाल जी, आप चुनाव में विजयश्री को प्राप्त हो ये हमारी दुआ है, लेकिन आप अपने ग्राम पंचायत के युवाओं को बुजुर्गों को कोई संदेश देना चाहो विशेष? मैं मीडिया भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि मुझे अगर जनता द्वारा आशीर्वाद मिलता है तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि युवा पीढ़ी बुजुर्ग सभी को साथ लेकर मेरा विकास का ही एक एजेंडा रहेगा। किसी व्यक्ति को पर्सनल तौर से ये कोई समझे कि ये आदमी जाति का विषय बनाए या धर्म का बनाए, मैं उनसे कहता हूँ जाति धर्म में मत बांटो, इंसान को विकास में बांटो ताकि एक मिसाइल बनकर हमारी ग्राम पंचायत नए मुकाम तक पहुँचे। धर्मपाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत